जीतन राम मांझी के ब्राह्मण को लेकर दिए गए बयान के बाद ब्राह्मण समाज पूरी तरह से मांझी के खिलाफ हो गया है। ऐसे में ब्राह्मण समाज ने आज अपना आक्रोश दिखाते हुए आयकर गोलंबर पर जीतन राम मांझी का पुतला दहन किया। वही ब्राह्मण समाज ने सरकार को भी सीधे तौर पर कहा कि अगर हम पार्टी को सरकार गठबंधन से नहीं हराती है तो इसका खामियाजा इंडिया सरकार को चुनाव पर भुगतना पड़ेगा। सभ्यता में, देश के विकास में, आजादी की लड़ाई में, शिक्षा को देने में ब्राह्मण समाज हमेशा तत्पर रहा और उसकी अग्रगण्य भूमिका रही है। चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, स्वतंत्रता संग्राम हो, उसके बाद देश के विकास की बात हो या पूरे देश में शिक्षा को बढ़ाने की, हर सामाजिक और प्रगतिशील कार्यों में ब्राह्मण की बड़ी मुख्य भूमिका रही है और अग्रगण्य रहे। लेकिन इधर दो तीन दिन पहले जीतन राम, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ब्राह्मण समाज के बारे में जिस तरह से अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग किया है वह निंदनीय है और इस पूरे समाज के लिए उसकी जितना भर्त्सना की जाए, इसलिए हमारा यह प्रतीकात्मक रूप से सारे ब्राह्मण और उनके प्रतिनिधि आज इकट्ठा हुए हैं। हम ये संदेश देना चाहते हैं, इस अपमान को हमारा यह समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और उसके लिए चाहे संसद में हो, विधानमंडल में हो, और सड़क पर हो, हम अपनी बात करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि उनके इस अपमानजनक भर्त्सना, उनके बयान की भर्त्सना की जाए और इनकी निंदा की जाए। इस न्यूज के प्रस्तुतकर्ता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।